हूँ जी, आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। बड़ी मेहनत इसके ऊपर हुई है, एक या आसान टिप्स भी दी हैं आपको। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक सब्सक्राइब बनता है और एक लाइक बनता है, और वीडियो को शेयर करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो जितनी मेहनत हमने मेहनत करके आप तक ये पहुँचाई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी उतनी ही मोहब्बत हमें देंगे। इसका जो अर्थ है ना, ये इसका अर्थ बड़ा होता है, ये आडा रुख है इसका, ठीक है। ये आडा रुख मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये इसका जो आडा रुख है, इसको हम चौड़ाई भी बोलते हैं कपड़े की ना, ये काफ़ी ज़्यादा होता है इसका। और इसका मैं बताऊंगा कि अभी इसकी डबल करके मैं आपको पैमाइश बता रहा हूँ ये कितना है। फ्रेंड, गर्मी बहुत है और बड़ी मुश्किल ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये 48 इंच है, हाफ 48 इंच हाफ है, ठीक है। डबल करेंगे तो इसका ये उसका जो है ना डबल हो जाएगा, ये तकरीबन 96-97 इंच ये बन जाएगा। 48 है तो 96-97 ये उसका ये बन जाएगा, ठीक है। अर्ज़ इसका इतना है। सबसे पहले हम ये यहाँ से, ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है, ये जो गुलाई यहाँ पे ख़त्म हो रही है, जो नीचे वाली सीट है, यहाँ से मेजरमेंट करेंगे हम, ठीक है। ये 67 इंच जो हमारी मेजरमेंट है, जो है ना नीचे ये सीट वाला हिस्सा, जो तीन सीटें हैं, 67 इंच आई है उसकी जो लेंथ है सीट की। अब ये मेजरमेंट यहाँ से आपने इस जगह से स्टार्ट करनी है, और यहाँ से लेते हुए आपकी मर्ज़ी है यहाँ तक नीचे तक ले जाएं तब भी, तो लेकिन फ़ायदा नहीं है, पानी वगैरह उससे ख़राब हो जाता है वो। ये मेरी आ रही यहाँ पे 33 आ रही है, ठीक है। तो 33 और 67 ये हमारी दो पैमाइशें आ गईं। अब इससे मैं जो कटिंग करूँगा, मैं बताऊँगा कि 2-2 इंच हमने उसका एक्स्ट्रा रखना है। हमारी जो है ना लेंथ जो है वो तो हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक हो गया। हमने जो इसकी चौड़ाई है वो इधर से लेनी है। ये हमारी आई थी 33 इंच, ठीक है। हमने 2 इंच इसको एक्स्ट्रा ले लेना है, 35 के ऊपर हम निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी ये चीज़, ठीक हो गया। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, इस पीस को हम अलहदा कर लेंगे। और फ्रेंड, अब मसला ये है कि हमारा जो लेंथ आई थी वो आई थी 67 इंच, तो 67 इंच ये बनता है, ये इतना कपड़ा हमारा जो है ना एक्स्ट्रा है। तो अब आप गौर से देखिएगा मेरी तरफ, अब आप गौर से देखिएगा जो मेन चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये आपके लिए तोहफा है। अब अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, अभी यहाँ से मैंने ये देखें कपड़े को डबल किया हुआ है, अगर यहाँ से अपनी मेजरमेंट पूरी करके निकालूंगा होगा क्या, ये हमारा कपड़ा ज़ाया चला जाएगा। अब हमने ना इसको ना साझा कर लेना है, मतलब ये कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये छोटी छोटी बातें मैं अगर बीच में स्किप करूँगा तो मेरी वीडियो जल्दी बन जाएगी, लेकिन वीडियो तो बन जाएगी लेकिन आप भाइयों को समझ नहीं आएगी, मैंने आपको भी देखना है। तो ये देखें, ये हमारा ये 60 इंच बन गया, 60 इंच का ये गाज होता है, एंची टेप जो होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, ये 67 इधर आ गया, ये 67 आ गया। अब 2 इंच मैंने बोला था आपसे, यहाँ से हमने इसको डबल करना है, 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन देना है इसका। अब ये देखें, यहाँ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया, आपने भी सेम मेरी बातों को ना फॉलो करना ना, ये देखें
या हमने बिछा लिया। यार इतना बड़ा मैं खुद उस्ताद नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ी दे, मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन हमने ये अपने वालदैन से सीखा है, वालद साहब से सीखे, मेरे वालद साहब सेलिंग का काम करते थे, अब मैं ये मेरी फील्ड बन गया। ये देखें ये वाला पीस मैंने उड़ा दिया इसका, ये हमारा काम आएगा, ये ज़ाया नहीं जा रहा, ये मैं बताऊंगा ये किधर काम आएगा। एक भी इंची कपड़े को हम ज़ाया नहीं होने देंगे। सबसे पहले हमने ये पीस निकाल लिया, मैं आपको बिछा के दिखाता हूँ कि देखें, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। बिल्कुल देसी तरीके से मैं समझा रहा हूँ अपनी बहनों के लिए जो घर पे सिलाई का काम करती हैं, आसान से आसान, वरना तो अगर ये चीज़ें स्किप कर दूंगा तो तब भी बंद तो जाएगा लेकिन फ़ायदा नहीं, उसका आपको समझ नहीं आएगी। ये एक पीस हमारा निकल आया, अब हम जो अगला काम करेंगे ना आपको मैं स्टेप बाई स्टेप समझाऊँगा, आसान तरीके से आपके आपको आपके साथ शेयर करूँगा, आप कैसे पजल भी नहीं होंगे और आपका कवर मिनटों में बनेगा। यहाँ तक हो गया, ठीक हो गया जी। अब हमने यहाँ से, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सकें, ये देखें ये यहाँ ये जो चीज़ है ना ये नीचे तक लेके जाएंगे और इसको इधर से राउंड करेंगे, राउंड करने के साथ साथ इसको हम नीचे यहाँ तक लेके आएंगे। ये 35 बन रहा है, 35 इंच हमारा आ रहा है और इधर से आ रहा है ये 20 आ रहा है, 35 और 20। तो अभी आपको बताते हैं कि ये 35 और 20 वाला पीस हम कहाँ से निकालेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा आधे तरीके से निकालूंगा जिससे पीस बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, और कपड़ा मैं बताऊंगा आपको कैसे बचत करेंगे। महंगाई का भाई दौर है, नवाज शरीफ की हुकूमत चल रही है तो बड़े खर्चे हैं, आसान आसान बातें बताऊंगा, आपका खर्चा कम से कम हो भाई जान, कपड़े को भी बताना बचाना हम बताएँगे आपको, घबराना नहीं आपने। इसको मैंने चार तहों में फोल्ड कर दिया, यार एक तो माइक मैंने लगाया अपने साथ, पंखा लगा हुआ है इस वजह से माइक लगा रहा हूँ कि आवाज़ आपका क्लियर आए, ठीक हो गया। अब मैंने बताया था इसकी लेंथ ऑलरेडी ज़्यादा है, ये 40 मारी 35 आ रही थी, ये आसानी से निकल जाएगी, इसकी टेंशन आपने नहीं करनी क्योंकि ये 96 है कपड़े की जो मेजरमेंट है। अब हमने यहाँ से कर लेना है, 20 आया था और हमने यहाँ से 22 पे निशान लगा देना है, ये 22 पे हमने निशान लगा दें, हमारी जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो 20 है, ठीक है ना, ये आपने नहीं भूलना इस बात को, फिर बोलेंगे भाई ने बताया नहीं, तो भाई ने माइक लगाया, भाई बड़ा मसला आ रहा है, लेकिन गर्मी शदीद है क्या करें, पंखा भी चलाना है। अब यहाँ से मैं सीधा कर दूँगा इसको, ये चीज़ें ठीक हो गया, ये भी मैंने आधा रुख लिया उसका, ठीक हो गया आधा रुख मैंने ले लिया। अब हुआ क्या आपको सिंपल बता दूँ, असल में ना आज मैं चीज़ें इसलिए शेयर करूँ कि यार आपका ना कपड़ा नुकसान ना हो, बचत करा रहा हूँ आपकी, वरना ये चीज़ें बड़ी जल्दी में, हमारी मेजरमेंट आई थी 35, हमने लेना 37, दो इंच एक्स्ट्रा, ठीक हो गया। ये देखें यार एक तो खरिया पता नहीं किधर चला, ये 37 आ गया। अब यहाँ से मैं सीधा करूँगा इसको, 11 इंच ये आ रहा है, ठीक हो गया। अब हुआ क्या,
ये हमने पीस दो निकाल लिए साइड वाले, और ये देखें हमने ये सांझा पीस बीच में से निकाल लिया, ये हमारे काम आएंगे। ठीक है, अभी तो इनका काम नहीं आया, जब इधर काम पहुंचेगा फिर मैं बताऊंगा ये किधर हमें काम देंगे, और कपड़ा हमने ज़ाया नहीं करना। ये देखें फ्रेंड, यहाँ तक तो हम पहुंच गए, ये हमने दो पीस निकाल लिए। होगी यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये चीज दूसरा जो पीस है ना, ये देखें ये हमारा इधर आ जाएगा यहाँ पे इस तरफ, एग्जैक्ट यार आएगी पुमाइश, मगर मेरे तरीके से आप काम करेंगे, कपड़ा भी आपका ज़ाया नहीं होगा। और ये देख लें, ये साइडें आ गई यहाँ तक, कैमरा मैन अगर आपको दूर से दिखा दें फोकस करके, पूरा सोहा लेके आए जी बीच में, वो साइड भी दिखा दें, ये भी दिखा रहे, ये आ गई। अब जो हमारा अगला काम है, अब अगला काम ये आपने गौर से देखना है, इधर देखें मेरी तरफ। अब ये सीधी साइड है, ये दो सीधी साइड है ना, इन दोनों को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ये वाला ये अंदर की तरफ कर लिया, ये कनी हमारी नीचे चली गई, दोनों कनियाँ इसको यहाँ पे बिछा दिया इधर, ये ना अकेले अकेले करोगे तो यार ये उल्टी साइडें हो जाएंगी, आपका कपड़ा ज़ाया हो जाएगा, बजाय बचत करने के ना आपका नुकसान। फ्रेंड्स ये हमने बिछाया भी यहाँ पे, ठीक हो गया, ये देख लें एक एक इंच को मैंने इसके ऊपर ये इतना मार्जिन छोड़ा हुआ है, आपने भी छोड़ना है। ठीक है, ये आप ये देखें, इसको चाक की मदद से शायद आपको ये नज़र ना आ रहा हो, ये वाइट कलर है ना, ये देख, हमने यहाँ से इसकी गुलाई कर लेनी है, ये गुलाई होगी, ये देखें चेक करें ये कैसा इसके साथ बैठ गया है, इधर से भी दिखाएं जी, इधर से भी दिखाएं, यहाँ तक आ गए हम, इधर से हम आ दी बिल्कुल ये शेप की तरह, हमने गुलाई दे दी इसकी, बहुत आसान है, मैंने चाक के साथ पहले उसको दबा के ना निशान लगा दिए, उस निशान के ऊपर फिर मैंने कैंची चलाई है, अब यहाँ तक हो गया क्लियर। तो यार असल में माइक भी तार है, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं माइक की तार ज़ख्मी ना हो जाए, पहले भी हमने वीडियो बनाई थी सोफ़े की तो माइक ख़राब हो गया था। अच्छा फ्रेंड, यहाँ तक तो समझ आ गई ये चीज़, ये ऐसे आ गया, अब करना क्या है, यहाँ पे आ गया, अब हमें चाहिए ये वाला पीस, ये पीस ऐसे चाहिए, ये पीस ठीक हो गया, ये गुलाई वाला, हम ये गुलाई वाला पीस पहले निकालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे भी कि वो पीस हमने निकाल लिया है, तो फिर आपने कैसे अटैच करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे कटिंग करनी है। ये मैं थोड़ा सा कपड़े को ना सीधा करने लगा, नीचे करनी है और कनी को निकालने लगा, हमने ये निकाल दिया। अच्छा, यहाँ से हमारी चौड़ाई थी 10 इंच, 8 थी ना, 2 इंच मार्जिन दिया उसका, ये देखें 8 और 2 10 इंच, 10 इंच, और यहाँ से हमें चाहिए था 23 इंच, ये आसानी से हमारा
निकल आ रहा है ये, ठीक हो गया। ये हो गया, ये पीस हमारा फिर हमने उसमें से भी बचा लिया, ये हमारा आगे काम आएगा। कपड़ा नहीं ज़ाया होने देना भाई जान, महंगाई बहुत है। अच्छा, इसको हमने ऐसे सेंटर का टुका लगा दिया, इसको भी यहाँ से भी ये टुका आ गया। अब मेरी बात गौर से सुननी है आपने, ये देखें, ये इसका सेंटर आ गया, ये वाला इसका ये सेंटर आ गया, सेंटर को सेंटर पे रखा यहाँ पे, एक सेकंड, ये यहाँ पे इसका सेंटर आ गया, ये सेंटर टुके को हमने यहाँ पे इतना ऊंचा रखा, ठीक है। ये कॉमन पिन ले लें, सिलाई वाली सुई ले लें, जो भी आपको चीज़ अवेलेबल हो आप वो ले सकती हैं, ठीक है। दिखाओ, ये हमने सुई मशीन जो होती है ना, सुई या कॉमन पिन या हमने इसके साथ अटैच कर दी, ठीक हो गया। अब हम करना क्या है, ये आपके लिए यार सारा कर रहा हूँ आसान से आसान, मुझे इतना ज़रूरत नहीं है, हम आसान तरीके से भी कर सकते हैं, हमारा रोज़ का काम है। आपके लिए ये पिने लगा लगा के आप दिखा रहे हैं आपको ये चीज़ें समझाने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा फ्रेंड, ये हो गया, ओके कैंची मुझे। अब हमने जो कटिंग करनी है ना, कटिंग इसके आधा इंच मार्जिन दे के करनी है, आधा इंच इस निशान से ये देखें फ्रेंड, ये कैसी प्यारी हमारी जेन्युइन जो शेप है वो शेप आ गई है, ये वाले ये चीज़। तो थोड़ा सा हमने लूज इसलिए रखा है, हालांकि हम इसको यहाँ से लेके मज़ीद इधर तक आ सकते थे, मज़ीद क्लोज कर सकते, होगा ये कि फिर वो हम अगर इसके साथ फिक्स कर रहे हैं फिर तो मैं बिल्कुल फिक्स कर दूँ, हमने थोड़ा सा लूज़ रखना है कि या भी इसको ऊपर चढ़ाएँ या उतारें वाश करने के लिए तो फिर वो ख़राब ना हो, बस इतनी शेप ही होगी तो ये हमारा पीस बेहतरीन हो जाएगा। आप लोगों की इस सहूलत के लिए ना, ये पीस तो मैंने गुलाई कर ली थी ना, अब मैंने तीन चीज़ें आपको बतानी है। ये जो इसका सेंटर हमने निकाला था, ये जो हमने यहाँ पे निशान निकाला था, इसका सेंटर निकाल लिया,
एक टुका इधर आएगा, एक टुका हमारा इस तरफ आएगा, ठीक है। हमने पिन लगा के सारा पीस इसके साथ अटैच कर दिया। अब इसी के सामने ये देखें, इसी टुके के सामने आपने एक टुका यहाँ पे और लगा देना, ठीक हो गया, ये वाला ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये टुके से टुके मिलाते जाना है, यहाँ से स्टार्ट कर लें सिलाई करना, बेशक यहाँ से कर लें, बेशक यहाँ से नीचे आप लेके आए। और फ्रेंड मित्र, अब आपने हमने अपना जो कवर सिलाई करना है वो स्टेप बाय स्टेप करना है, एकदम से सारा काट के शुरू नहीं कर देना। हम कर सकते हैं, प्रोफेशनल लोग कर सकते हैं, लेकिन जो अभी नया है, प्रोफेशनल नहीं है, वो पजल हो जाएगा। एक पीस इधर उल्टा जोड़ दे, उल्टा फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, कवर बहुत टाइम ले जाएगा, आप परेशान होंगे। आप देखें यहाँ पे मैंने इसको बिछा लिया है, यहाँ से पिने लगा ली हैं। अगर आप भी पिने लगा लेंगे आपके लिए भी सहूलत होगी, ये आपको दिखाने के लिए मैं लगा रहा हूँ, आपकी सहूलत के लिए। यहाँ से आप उठा लें ये पूरा पीस, ये पूरा पीस आपने उठा लेना है यहाँ से ही। देखें यहाँ से ही हमने कच्चा कर लिया है पिनों से, एक तरफ से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, ये देखें एक तरफ से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से सिलाई करते करते हम यहाँ अपने इस टुके तक लेके आ जाएंगे। और अभी आपको मैं ना ये सिलाई करके मशीन के ऊपर दिखाता हूँ, ये पीस मुकम्मल करेंगे, बिछाएंगे दो जो साइडें बिछा के, फिर इसके साथ ये जो है नीचे वाला पीस अटैच करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सिखाऊंगा। जी स्टार्ट करते हैं।